हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो हम दोबारा से खेलने वाले गाइस एमपीएल पर पूरा में। एंड गाइस इस बार भी एंट्री फीस 250 वाली है। एंड गाइस ये गेम प्ले भी इतना टेंस होने वाला है क्योंकि यहाँ पे वन प्लेयर एलिमेंट होकर रिजन होने वाला है। जो गेम प्ले ना काफ़ी इंटेंस होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जो कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ओके सो गाइस बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। हमारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में, मतलब कि मैं सोचा था कि हम ड्रॉप करेंगे अगर हमारे पास प्योर सिक्वेंस रेंज नहीं होती है तो। लकली हमारी जो है ना एस के साथ प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाती है। मैं भी डायमंड में एस डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब मेरे पास देखो फोर कार्ड अभी भी इनवैलिड है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास किंग या फिर क्वीन के रिलेटेड एक और कार्ड आ गया तो हम पिक कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमें वैलिड कार्ड भी चाहिए होंगे। ओके भाई इस बार तो डीलर भी प्ले कर रहा है, यानी कि टोटल हम थ्री प्लेयर और एक्टिव हैं। अगर यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा टर्न लगेंगी तो तभी हमें बेनिफिट है। अगर बंदे ने ओनली सेकंड या फिर थर्ड टर्न में डिक्लेयर किया तो फिर गाइस हमें दिक्कत हो जाएगी। ओके टेन डिस्कार्ड किया, कोई नहीं हम क्लोडर से कार्ड पिक कर लेते हैं। ओके वाओ गाइस हर्ट एस आ चुका है। हम हर्ट एस क्वीन कोई समझ नहीं आ रही, किंग को डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर फाइव। वैसे किंग को हम डिस्कार्ड कर दें कि हमको सिंगल कार्ड चाहिए होगा। अगर क्लब किंग आ गया तो तब भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। चलो इसी को डिस्कार्ड कर ही देते हैं। मैं सोच रहा हूँ बंदा पिक ना कर ले। ओ भाई साहब सच मुझे बंदे ने पिक ही कर लिया। अब मैंने किंग इसी वजह से डिस्कार्ड किया कि बंदा क्लब किंग डिस्कार्ड करे, जिससे कि हम जो है ना सीक्वेंस नहीं करके डायरेक्ट प्लेयर कर सकते हैं। लेकिन भाई क्लब किंग देखो किस बंदे ने डिस्कार्ड किया भाई साहब, डीलर। चलो कोई नहीं, एट डिस्कार्ड कर रहा है, कोई नहीं क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। यानी किस बंदे ने पहले टेन डिस्कार्ड किया था और अब एट डिस्कार्ड कर रहा है, यानी किस बंदे ने अपनी सीक्वेंस ही ब्रेक कर दी। ओ भाई साहब अगेन हर्ट किंग, मतलब कि डबल आना था क्या हमारे पास। अब यहाँ पे इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि अब बंदा सेट तो नहीं कर रहा होगा या फिर सीक्वेंस नहीं की होगी आई थिंक। ओ भाई सब ये बंदा तो स्मॉल कार्ड डिस्कार्ड कर रहा है, यानी कि ये बंदा डिक्लेयर करने ही वाला है, कभी भी ये बंदा डिक्लेयर कर सकता है। मैं सोचा था हमारे पास फाइव या फिर क्वीन के लेटर कोई भी कार्ड आ जाएगा तो हमारे और पॉइंट डाउन हो जाएंगे। लेकिन भाई बंदा तो ऐसे कार्ड डिस्कार्ड कर रहा है कि जो हम पिक ही ना कर पाए, मतलब मैं क्या ही बोलूँ गाइस। ओके डायमंड किंग, अब इसी को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है ये बंदा पिक करेगा। ओ भाई साहब यानी कि ये बंदा सेट रैंक कर रहा और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर कर देता है। मतलब देख रहे हो गाइस हमारे पास कार्ड ही नहीं है, अब क्या ही कर सकते हैं। हमने तो अपनी तरफ से पूरा मतलब कि दिमाग लगाया था कि ये कार्ड आ जाएगा वो आ जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पे देखो जो राइट सेकंड राइट पे था तो मैंने देखो डायरेक्ट 42 पॉइंट लग चुके हैं भाई साहब। मतलब कि खुद की सीक्वेंस तो रेंज हो ही नहीं थी और भाई दूसरों की ये सोचा कि सीक्वेंस रेंज ना ही हो भाई। चलो कोई नहीं गाइस इस बंदे के देख रहे तो 42 पॉइंट लग चुके हैं, यानी कि इसको इसकी गलती का एहसास हो चुका है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। एंड गाइस इस बार देख सकते हो काफ़ी ओपी कार्ड थे और ये बंदा ड्रॉप कर देता है। हम सीक्वेंस नहीं करके ओनली फर्स्ट टर्न में कर देते हैं डायरेक्ट डिक्लेयर। अब देखते हैं बंदों के 40 पॉइंट लगते हैं। वाओ गाइस ओके जिस बंदे के 0 पॉइंट थे उस बंदे के 40 पॉइंट लग चुके हैं। ओके लेफ्ट प्लेयर के भी और डीलर के दो भाई साहब ओनली 7 पॉइंट लगे हैं और सेकेंड राइट थर्ड राइट प्लेयर के देखते हैं कितने पॉइंट लगे हैं। आई थिंक ये बंदा भी 40 पॉइंट से तो लॉस होना चाहिए भाई। ओके भाई 40 पॉइंट से ये बंदा भी लॉस हो चुका है, यानी कि 49 से। ओके चलो बढ़िया गाइस, अब आया ना मज़ा बंदों के हाईएस्ट पॉइंट लगे हैं तो। ओके सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुका है। इस बार गाइस हमारे पास कार्ड थे नहीं, मतलब कि क्वीन आना चाहिए हर्ट में या फिर क्लब में और हर्ट में थ्री, यानी कि चांसेस बहुत कम थे। मैं ड्रॉप ही कर देता हूँ। अब हो सकता है काफ़ी बंदे यहाँ पे किंग पिक और जोकर पिक कर लेते भी, ये सोचते थे कि बंदे सभी ड्रॉप कर देंगे। भाई ये ख्याल दिमाग से निकाल दो, बंदे आपको जो है ना कहाँ डिस्कार्ड करके देंगे। एंड गाइस देखो लेफ्ट और थर्ड सेकंड लेफ्ट पे रिप्ले कर रहे हैं भाई साहब, देखो
क्या ही बोलें भाई। और राइट प्लेयर का भी पता नहीं ये भी प्ले करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि देखो अब इन बंदों के अभी 40 पॉइंट लगे हैं, तो इनको अभी दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई हम प्ले ही करेंगे चाहे वन जॉकर हो या फिर कुछ भी हो। काफ़ी बार ऐसा होता है भाई, मैंने भी रियलाइज़ किया ऐसा, अब देखो ये बंदा प्ले कर रहा है, यानी कि टोटल 4 प्लेयर एक्टिव हो चुके हैं और डीलर्स ओनली सिंगल बंदे ड्रॉप किया, मतलब कि कुछ भी हो सकता है इस गेम प्ले में। सो इसी के साथ गाइस हम कर देते हैं बैट स्किप, देखते हैं काउंट क्लियर कर पाता है इन चारों में से हुए। सो फाइनली गाइस यहाँ पे सेकंड राइट पैड डिक्लेयर कर देता है, एंड गाइस देखो लेफ्ट और थर्ड राइट पैड डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाते हैं इस राउंड में। और जो सेकंड लेफ्ट प्लेयर होता है, यानी कि जिस बंदे के 40 पॉइंट लगे थे और उस बंदे के ओनली 5 पॉइंट ही लगते हैं, मतलब के देख रहे हो भाई साहब गलत सीन हो गया बंदों के साथ। देखो इन बंदों के पास सिंगल जॉकर था फिर भी बंदों ने रिस्क ले लिया, मैंने बोला था ना काफ़ी बार ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे एक प्लेयर जो है रीजन हो जाता है, भाई इतने प्लेयर एक्टिव है तो रीजन क्यों हो रहा है भाई। एंड गाइज यहाँ पे मेरे को कॉल आ गई थी बीच में, सो वीडियो थोड़ी सी स्किप हो जाती है, सो एडजस्ट कर लेना। ओके सो गाइज बात कर लेते हैं इस राउंड की, हमारे पास देख सकते हो कार्ड तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन प्योर सिक्वेंस नहीं है। अब यहाँ पे मेरा मन कर रहा था कि प्ले कर रहा हूँ, और ये भी लग रहा था अगर प्योर सिक्वेंस रही नहीं हुई तो भाई डायरेक्ट हम एलिमिनेट हो जाएंगे। सो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन भाई देखो राइट प्लेयर रिप्ले कर रहा है। ओके क्वीन डिस्कार्ड की है, अब रिस्क ले ही लेते हैं। अब बंदे ने क्वीन डिस्कार्ड की है, सो मैं क्वीन पिक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे वैलिड कार्ड भी चाहिए था। सो मैं 5 डिस्कार्ड कर देता हूँ, अब मैंने 5 ही से वैसे डिस्कार्ड किया, बंदा 5 के अकॉर्डिंग अगर डायमंड में 5 डिस्कार्ड करेगा तो हम जो सीक्वेंस रिंग कर लेंगे। लेकिन भाई ये बंदा बहुत ही प्रो प्लेयर है भाई साहब, देखते जाओ बस, काफ़ी ख़तरनाक प्ले करेगा देखते जाओ बस। ओके बंदे ने 10 डिस्कार्ड किया और ये भाई बंदा पिक कर लेता है 10 को ही। सो हम ये डिस्कार्ड कर सकते हैं, देखो भाई किंग डिस्कार्ड कर रहा है, हमने क्वीन पिक किया था तो। ओके हमारे पास 6 आ चुका है, सो हम जे डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि जो राइट प्लेयर था इस बंदे ने 10 पिक किया तो बंदा जे क्या ही पिक करेगा, और ऐसा ही होता है गाइज ये बंदा पिक नहीं करता। लेकिन गाइज देखो हमारी अभी भी प्योर सिक्वेंस रही नहीं हुई भाई बस। ओ भाई साहब ये बंदा इस डिस्कार्ड करता है और ये इसी पिक कर लेता है। अब मुझे ना यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि ये भाई बंदा कैसे प्ले कर रहा है भाई, मतलब कि 61 पॉइंट वाले बंदे की वजह से ये बंदा देखना डिक्लेयर कर पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके 10 आ चुका है, सो 10 ही डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर 6 डिस्कार्ड करें, नहीं, 6 डिस्कार्ड करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है ये बंदा 6 ही पिक ना कर ले। ओके भाई साहब 6 ही पिक कर लेता है, और आई थिंक ये बंदा तो सीक्वेंस नहीं कर चुका है हमारे पास, यानी कि 5 नहीं आ सकता। अब मैंने 6 इस वजह से डिस्कार्ड किया था कि बंदा 6 के अकॉर्डिंग 5 डिस्कार्ड कर दे, क्योंकि 61 पॉइंट बंदे ने 6 पिक किया। ओके लेकिन भाई ये बंदा देखो डायमंड 2 डिस्कार्ड कर रहा है। ओके भाई साहब मतलब इतने गंदे कार्ड डिस्कार्ड कर रहा है कि क्या ही बोलें। ओके यहाँ पे 4 आ चुका है, सो मैं किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा हमारे पास अब एस आएगा, क्योंकि गाइज आपने नोटिस किया होगा तो ये बंदा समथिंग समथिंग ओपन ऐसे कार्ड पिक कर चुका है। और देखो भाई डायमंड 8 भी इस बंदे ने डिस्कार्ड किया है, अब भाई बंदा क्या करे देखो, मतलब कि जो कार्ड की नीड हमको है ना वो इसी बंदे के पास आ रहे हैं। लेकिन लकीली गाइज हमारी जो है ना क्लोडस से प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाती है, मतलब कि एंड मोमेंट पे आके हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हुई है। सो मैं क्वीन डिस्कार्ड कर देता हूँ, अब देखो हमको चाहिए सिंगल कार्ड डिक्लेयर करने के लिए। ओके भाई डायमंड जे, और ये बंदा देखो डायमंड जे भी पिक कर लेता है, मतलब देख रहे हो उन्होंने क्वीन पिक किया था और ये बंदा जे पिक करता है और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर कर देता है, मतलब देख रहे हो बंदा कितना खतरनाक प्ले करता है ये, वो भी सिर्फ 61 पॉइंट वाली की वजह से इस बंदे ने कार्ड पिक किया है भाई साहब। और ये बंदा देखो जे का सीक्वेंस रहे कितने बंदे जे के साथ भी,
इसका ये बंदा सेट नहीं कर लेता। मतलब कि अगर ये बंदा रीजन ना होता तो शायद हो सकता थे हम इस बंदे को एलिमिनेट कर पाते, या फिर ये प्ले ना ही करता, अब कुछ भी हो सकता था। खैर कोई नहीं, मारे 10 पॉइंट लग चुके थे। सो अगेन गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं इस बार, तो गाइस हमारे पास देख सकते हो अगेन इतने गंदे कार्ड हैं, क्या ही बोले। मतलब ओनली प्योर सिक्वेंसी है, सो हम ड्रॉप ही कर देते हैं एंड इसी के साथ कर देते हैं बैट स्किप। देखते हैं गाइस कौन बंदा डिक्लेयर करता है, डीलर देखते हैं प्ले करेगा या फिर नहीं। ओके ये भी ड्रॉप कर देता है, अब इन दोनों का 1v1 है, सो देखते हैं। ओके तो फाइनली गाइस यहाँ पे जो है 69 पॉइंट बंदा डिक्लेयर कर देता है, लेकिन ये बंदा देखो ओनली 18 पॉइंट से लॉस होता है। और बंदे ने मिनिमम टर्नमेंट डिक्लेयर किया था, फिर भी देखो इस बंदे के पॉइंट अभी तक, ये बंदा हाईएस्ट पॉइंट से लॉस नहीं हुआ। ओके सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं इस बार। गाइस हमारे पास कार्ड तो वैलिड काफ़ी हैं, लेकिन भाई जब ये प्लेयर प्ले करता है ना भाई साहब, क्या ही बोलें। इसने तो डिक्लेयर ही किया है, या फिर कम से कम 20 से डाउन पॉइंट कर लेता है आखिरकार। अब देखो इस बंदे ने ओपन डे से कार्ड पिक किया था, और मुझे लग रहा था कि ये एक बंदा जो है ना थोड़ा फास्टली डिक्लेयर कर सकता है, इस वजह से मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे 83 और 85 पॉइंट बंदे प्ले करने वाले थे, इस वजह से हम ड्रॉ भी कर देते हैं। वैसे ही हमारे पास ओनली सिंगल जॉकर था, सॉरी क्या ही लें। अब देखो गाइज मुझे यहाँ पर थोड़ा डाउट हो रहा था, क्योंकि देखो जो बंदा रीजन हो ना, इस बंदे को जो भी कार्ड डिस्कार्ड करता और ये बंदा पिक कर लेता है। अब देखो उस बंदे ने क्वीन डिस्कार्ड की फर्स्ट में ही, और उस बंदे ने देखो क्वीन पिक कर लिया। अब देखो ओ भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ, ओनली फर्स्ट टर्न में डिक्लेयर कर दिया भाई साहब। अब मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ये बंदे कॉल अप करके तो प्ले नहीं कर रहे, लेकिन भाई कॉल अप करके कैसे प्ले करेंगे, और इस बंदे ने ओनली फर्स्ट टर्न में डिक्लेयर कर दिया। अब देखते हैं ये दोनों प्लेयर तो आई थिंक इजी एलिमेट हो ही जाएंगे, क्योंकि इनको एलिमेट होने के लिए ओनली 15 प्लस पॉइंट लगने चाहिए थे, जो कि आई थिंक आराम से लग जाते हैं। ओ भाई साहब देखो ये बंदा 102 पॉइंट से लॉस हुआ है। अगर ये बंदे कॉल अप करके प्ले कर रहे होते तो भाई ये बंदा इस बैट को जरूर सर्वाइव करता, क्योंकि देखो 78 पॉइंट वाला बंदा अगर दोनों ये कॉल अप करके प्ले करते तो इतना फास्ट डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि उसको बताता कि मेरे इतने पॉइंट हैं तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे कॉल अप वाला। ओके सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं गाइस, देख सकते हो हमारे पास इतने गंदे कार्ड हैं कि भाई क्या ही बोलें। सो हमको मैं सोचा था कि ड्रॉप वाला अगर ऑप्शन होता तो मैं ड्रॉप करता। अब देखो भाई यहाँ पे 78 पॉइंट वाला बंदा ही प्ले करने लग जाता है, और यहाँ मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि भाई ये बंदा तो हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज नहीं होने देगा भाई, जो भी हो जाए बस देखते जाओ। वैसे हम ट्राई तो करेंगे कि हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाए। ओ भाई साहब देखो 10 अभी इस बंदे ने डिस्कार्ड किया है, अगर ये बंदा ड्रॉप कर देता तो भाई अब तक हम प्योर सिक्वेंस रेंज कर लेते। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, देखो भाई इतने स्मॉल कार्ड डिस्कार्ड कर रहा कि हम पिक ना कर पाएं भाई। सो मैं अभी 10 ही डिस्कार्ड कर देता हूँ अब, लेकिन भाई ये बंदा पिक कर लेता। ओके क्वीन डिस्कार्ड किया है, अब मैं जे भी डिस्कार्ड कर ही दूंगा, हम करेंगे किंग का सेट रेंज अब। ओके डैम 2 आ चुका, चलो हमारा 2 का सेट रेंज हो चुका कम से कम, लेकिन अभी भी हमारे प्योर सिक्वेंस रेंज नहीं हुई। सो मैं जे डिस्कार्ड कर देता हूँ डैम में अगेन। ओके 9 भी इस बंदे ने डिस्कार्ड कर दिया, 9 10 किंग, क्या ही बोलें गाइस। मतलब अगर हमारे पास किंग आ जाता और 10 आ जाता हमारी प्योर सिक्वेंस भी रेंज हो जाती, बट अब क्या ही कर सकते हैं। ओके लेकिन लकीली गाइस हमारे पास जो है ना क्लोडेस से 10 आ जाता है, और इसी के साथ हमारी जो है सीक्वेंस रेंज हो जाती है। सो मैं किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ, लेकिन गाइस ये बंदा 10 डिस्कार्ड करता है, लेकिन नहीं ये बंदा क्लोडेस से कार्ड पिक करता है और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर कर देता है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इस बंदे के पास इतने जोकर थे कि भाई ये बंदा जोकर से डिक्लेयर करता है। अगर हमारे पास 2 जोकर होते तो शायद हम इस बैट को सर्वाइव कर पाते। खैर कोई नहीं, हम इस बैट को गाइज लॉस हो चुके हैं। लेकिन गाइज देखना जो राइट पेयर था ना सेकंड, इस बंदे को क्लब 6 और डैम 6 चाहिए था, अगर हम इसको डिस्कार्ड कर देते शायद इस बैट को बंदा ये सर्वाइव कर सकता था। चलो कोई नहीं, ये बंदा वेलमेट हो चुका है।